पानी में हाल बड़ी बड़ी आगे बढ़ जाएंगे बढ़िया थोड़ा सा आगे आगे से हटिए हालात है जो परिस्थितियां हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि इन पापियों का कुकर्म का देन है। ये नाजायज औलाद है पॉलिटिशियन का, ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है, कोई प्राकृतिक आपदा और भगवान की आपदा नहीं है। हमने लूटा है, हम बाढ़ को और दुधारू गाय समझते हैं। अभी तक में तेईस बांध टूट चुके हैं, गंडक में गोपालगंज से लेकर के सारण के बीच में 7 बांध टूटे हैं। लगातार फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों का ये लोग लूटता है। एंटी रोजन का काम सालों भर करता है लेकिन उसमें सारा पैसा नेताओं के घर में जाता है। का है, इसकी जांच क्यों नहीं होती है? क्यों अभी तक सिंचाई मंत्री कोबर घर में सोए हुए हैं? वर्चुअल और डिजिटल में क्यों? रियल का पता उसको क्यों नहीं है? 2 बच्ची मर गई आपके यहाँ, लगातार ये बच्ची अपनी माँ को बाप को छोड़ देता है बच्चा। कितने लोग मरते हैं हर साल? अरबों खरबों रुपया की सरकारी संपत्ति जो जनता का पैसा होता है, रोड स्कूल अस्पताल, वो टूट जाता है, काम नहीं होता है। पुल पुलिया का काम होता नहीं है, टेंडर के बगैर कहता है हमने बना दिया था पुल, पानी में टूट गया। उसके बाद एक एक झोपड़ी, बकरी, जानवर, बच्चे, आम आदमी, छोटे छोटे पक्के के मकान,
बर्बाद हो जाता है पानी में, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति निजी होती है, आप उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं करते। लगातार कई बार बाढ़ आ चुका, कभी गंडक, कभी कमला, कभी कोसी, कभी बलान, कभी कनकई, कभी महानंदा, कभी केहर, कभी कनहर, कभी बागमती, दरभंगा से लेकर के पश्चिमी पूर्वी चंपारण के हालात इतने बुरे हैं, अभी तक आप बाढ़ क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? क्या कारण है? क्या कारण है कि आपने 20,000 रुपया देने का आपने घोषणा अभी तक नहीं किया? 2 साल पूरा, जब पहले बाढ़ आई थी मैं, हम आए थे, आप 6,000 की घोषणा किए, लोगों के अकाउंट में नहीं गया। लोन आप माफ कब करिएगा किसानों का? बिजली बिल माफ कब करिएगा किसानों का? ये इतने दिनों के बाद उसको नजर नहीं आई, और सबके सब पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन है, और विपक्ष के लिए तो बाढ़ पिकनिक हो जाता है, राजनीति करने का खिलौना। इन नेताओं को नदियों के भीतर पन्नी में गरीबों के बीच उसके पूरे परिवार को 1 सप्ताह रखिए, तब इसको पता चलेगा बांध जाने परसौती के हाल, तब गरीब और कॉमन आदमी का